आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आपसे 15 और 16 की। तब पंजाब में आम आदमी पार्टी, जो सही मायने में आम आदमी पार्टी थी, आज वाली आम आदमी पार्टी नहीं, जो आज तो खैर खास आदमी पार्टी है, खास से भी खास आदमी पार्टी है, तब ओरिजिनली आम आदमी पार्टी थी। तब सारा पंजाब इससे मुतासिर था, एक लहर थी, हर एक शख्स पंजाब का इससे सिमती रखता था, इसके साथ जुड़ना चाहता था। हम भी इससे अलग नहीं रहे, हम भी इससे जुड़े हुए थे। तो यहाँ सेक्रेटेरिएट है, मिनी सेक्रेटेरिएट, उसके साथ ही एक ऑफिस बना हुआ था। ऑफिस में मैं, गज्जन सिंह, डॉक्टर बलबीर सिंह, ललित और पता नहीं कितने कितने थे, कैप्टन साहब थे, बहुत लोग हम आया करते थे। राजकुमार जो ऑफिस इंचार्ज थे, वहाँ दो दो तीन तीन घंटे बैठते थे, यहाँ से फिर आगे जाया करते थे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, जलसों में, धरनों में, यहाँ बैठ के डिस्कस किया करते थे। मेरे को याद है, डॉक्टर साहब को भी, डॉक्टर बलबीर को भी याद होगा, कि हम बात तब किया करते थे कि अगर सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, क्योंकि डॉक्टर साहब सेहत डॉक्टर थे और हैं अभी भी, ये अलग बात है कि आजकल वो वज़ीर हैं, लेकिन बेसिकली तो डॉक्टर ही हैं। तो हम ये डिस्कस किया करते थे कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर में क्या बदलाव लाएंगे। मेरे को आज भी याद है, डॉक्टर साहब आप शायद पावर आ गई है, भूल गए हो, भूल जाता है आदमी, आपका कसूर नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ गुड़ियाँ बड़ी मिल जाती हैं, कमांडो मिल जाते हैं, चमचे चमचे सारी तरफ चमचे ही चमचे होते हैं, तो आदमी थोड़ा ना मिट्टी अपनी छोड़ देता है, ग्राउंड लेवल से हट जाता है, तो उसको सब कुछ हरा ही हरा नज़र आने शुरू हो जाता है। हालांकि ये हरा बहुत देर नहीं चलता, मैं आपको कोई गलत बात भी नहीं कह रहा, सही बात कह रहा हूँ, आप अच्छे आदमी हैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे। तब हम उन दिनों बात किया करते थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने अपने सैमी साहब और टिमी के साथ वो सब जो आपने किया दिखाया भी है। टर्शरी केयर में जो आपने काम किया है, पटियाला मेडिकल कॉलेज, पटियाला हॉस्पिटल, माता कौशल्या डेंटल कॉलेज में जो आपने काम किया है, हमने लोगों को दिखलाया भी है। हम उस कैटेगरी ऑफ जर्नलिस्ट से ताल्लुक़ नहीं रखते जो नेगेटिविटी में विश्वास रखते हैं, हम जो सही होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम जनता तक वो पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा सियासी कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन वक्त बदला, आप वज़ीर बन गए, आपने अच्छा काम भी किया मैंने बतलाया, लेकिन उस काम के साथ साथ कहीं कुछ चीज़ें जो बेसिकल, जो हम वहाँ बहुत दिल के करीब हमारे सब क्या हुआ, आपके भी हुआ करती थी, वो आप भूल गए सर। उसमें आप क्या भूले, वो जो आप भूले उस पर आज हम बात करेंगे, जो कि अहम चीज़ आप भूल गए। तो मैंने उस चीज़ पर बात करने के लिए हमारे दो नौजवान बच्चे, अब बच्चे तो नहीं रहे, यंग डॉक्टर हैं, वो हमारे पंजाब का, हिंदुस्तान का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, क्योंकि अब हम तो लोग, हम सब लोग तो डूबते हुए सूरज हैं, ये उभरते हुए चांद सितारे हैं, क्योंकि हमारा कल इन लोगों के साथ है, हमारा हिंदुस्तान इनसे है, हमारा आवाम इनसे है, हमारी खुशी गमी इनसे है। तो आज हमने इनको दावत दी है, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे उस मुद्दे पर बात करेंगे जो बहुत अहम है, जिसे हमारी सरकार, हमारे वज़ीर सेहत डॉक्टर साहब भूल चुके हैं। आइए अब बात करते हैं आपसे। हमारे साथ दो नौजवान डॉक्टर पटियाला के, आज हमारी गुजारिश पर, हमारी रिक्वेस्ट पर आए हुए हैं, डॉक्टर उत्कर्ष एंड डॉक्टर अर्जुन। अर्जुन तो खैर सारा हिंदुस्तान जानता है, उत्कर्ष भी आजकल सारे जानने लगे हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति से सब वाकफ हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे को आप ये बताइए उत्कर्ष साहब, कि आजकल अखबारों में आप लोगों का बहुत चर्चा आ रहा है, क्या वजह है जिससे आप इस सरकार से खफा हैं, आपकी मेन डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं, सरकार ने क्या नहीं आपका किया, क्या करना चाहिए, बताइए प्लीज़। सर, हम 2019 बैच से हैं जी, तो अब हमारी अप्रैल में इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है। अच्छा जी, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टाइपेंड को, 5 साल से स्टाइपेंड में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जो इंटर्न्स को स्टाइपेंड दिया जाता है जी जी जी, वो आजकल 15,000 महीने का दिया जाता है, 15,000 पर मंथ ओनली इस वक्त, विच अकाउंट्स टू 500 पर डे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ जी, सो इवन एन अनस्किल्ड वर्कर गेट्स मोर देन दैट। सो हमारी सरकार से बस यही डिमांड है कि हमारा जो स्टाइपेंड है वो अलाइन किया जाए दूसरी स्टेट्स के अकॉर्डिंग,
दूसरी स्टेट्स में क्या है अर्जुन, कुछ और बताएंगे आप हमारे सुनने वालों को, सरकार को, कई बार सरकार तक बात नहीं पहुंच पाती, तो आप बताइए दूसरी स्टेट्स में एज कम्पेयर टू पंजाब, दिल्ली, हिमाचल में हमारे से ज़्यादा है? हमारे हर स्टेट में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इवन की जहाँ पे हमारी खुद की सरकार है दिल्ली में, यहाँ पंजाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो आप लोगों की बेसिक डिमांड ये है, अभी जो आप इंटर्न हैं, आप इंटर्न एसोसिएशन से हैं, आप इंटर्न एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पंजाब सरकार तक हमारे चैनल के थ्रू आवाज़ पहुंचाने में, कि जो आप 15,000 दे रहे हो भाई इन बच्चों, हम डॉक्टर्स को, दैट इज़ टू लेस, है ना जी। तो ये इसको आप कम से कम दिल्ली पैटर्न पे कर दीजिए, है ना, ज़्यादा नहीं हम मांगते, कम से कम दिल्ली पैटर्न से कर दीजिए, ये तो शायद गलत बात नहीं है। अच्छा, आप मिले हो कभी किसी से, कोई सिलसिले में किसी से बातचीत हुई हो, कोई डॉक्टर साहब पटियाले से हैं और अच्छे आदमी हैं? हाँ, तो आप मिले कभी उसे? अपने हेल्थ मिनिस्टर से। हाँ जी। He was very positive about this thing. जी। He also assured us that it will be done. But from the past 2 months we are trying, but we haven't got any good response yet. तो आपने कोई उनको रिमाइंडर या कुछ लेटर कुछ ऐसा डाला, कुछ उनके व्हाट्सएप पे या ट्विटर या जो भी है, इंस्टा पे कुछ किया आपने कोशिश? हाँ जी, हम ट्विटर पे भी दिन ब दिन पोस्ट करते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी हमारे आर्टिकल्स आते हैं, आ रहे हैं, हमने देखा, तभी हमने आपसे कॉन्टेक्ट किया। हाँ। और हम उनके पीए को भी रिमाइंडर्स भेजते हैं व्हाट्सएप पे, बट दो मेट हिम पर्सनली, ही अश्योर्ड अस इट विल बी डन, बट अभी तक कोई सही रिस्पॉन्स जो गवर्नमेंट की तरफ से, कोई पब्लिक डिक्लेरेशन अभी नहीं हुई है। हाँ जी। अच्छा, जैसे ये आप इंटर्न्स की तरफ से आ रहे हैं, तो जे यू आर ए पार्ट ऑफ JDA, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का पार्ट है आप? नो, वी बेसिकली फॉर्म द मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन व्हिच अकाउंट्स फॉर ऑल द MBBS स्टूडेंट्स। अच्छा, JDA समथिंग एल्स, योर पार्ट इज डिफरेंट। अच्छा, इसी के साथ अर्जुन एक डिमांड मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि आपने अभी बताया आप मेडिकल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इंटर्नशिप जो है पार्ट, इंटर्नशिप या इंटर्नशिप स्टाइपेंड जो पार्ट है वो शुरू होता है MBBS पूरी करने के बाद। पहला स्टेप है MBBS में दाखिला। पंजाब में हमारे इस वक्त पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट और मोहाली अभी रिसेंटली ऐड हुआ है ना जी, 3-4 साल पहले हुआ है, मतलब फाइनल बैच, फाइनल ईयर चल रहा होगा, तो ये 4 मेडिकल कॉलेज हैं। तो यहाँ जो MBBS कर लेगा फिर वो इंटर्नशिप करेगा, ठीक है ना जी। तो लेकिन MBBS की फ़ीस के बारे में भी आप कुछ बताइए हमें, कितनी फ़ीस है यहाँ और स्टेट्स के अलावा, किसे हमारी ज़्यादा है या कम है, क्योंकि इस मुद्दे पर भी ये डॉक्टर साहब से मेरी बात होती रहती थी, हम ये भी, क्योंकि ये आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। जी, जो हमारी स्टेट है पंजाब, जी सर, वहाँ पे इस टाइम पर अभी 7-8 लाख रुपए खर्चा है पूरे MBBS का, 4 ईयर का, 4 साल का। ये यू आर टॉकिंग ओनली ऑफ द ट्यूशन फी, नॉट ऑफ हॉस्टल एंड मैथ्स, दैट इज डिफरेंट, दैट इज सेपरेट। ओके, और बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनका हमारे से आधा है। आपसे पंजाब से, से हमारा हर एक स्टेट का डबल है, या उनका यह कहिए हमसे आधा है, ये भी बहुत गलत है यार। देखिए एक बात है उत्कर्ष साहब, एक तरफ सरकार आपसे 8 लाख रुपए ले रही है और स्टेट से डबल, जब देने की बारी आ रही है इंटर्नशिप का स्टाइपेंड, तो और स्टेट से आधा, बल्कि और स्टेट से डबल होना चाहिए। ट्यूशन फीस भी है वो हर साल 5-10%। हाँ, ये भी है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने 16 या 17 की बात की, तब डॉक्टर साहब नहीं भूले होंगे, क्योंकि ये बातें भूली नहीं जा सकती, तब हम ये बात किया करते थे वहाँ बैठकर चाय पीते हुए, कि हम ये जो फीस है मेडिकल स्टूडेंट्स की, गवर्नमेंट मेडिकल की, प्राइवेट की हम बात नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट का एक डिफरेंट है, वो कभी फिर बात करेंगे, अभी हम गवर्नमेंट पे बात करते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोई प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज नहीं है, ना होनी चाहिए। ये जो बच्चे हैं ये आम घरों के बच्चे हैं, ये कोई टाटा बिरला के बच्चे नहीं हैं, आप आम घरों से आए हो, बठिंडे से, लुधियाने से। तो अगर मेरा सवाल सरकार से ये है कि अगर 7-8 लाख रुपया आप ट्यूशन फी दे रहे हो और उतना ही आपका हॉस्टल या मेस का आ जाता है, फिर कपड़ों का, कॉपीज बुक्स का अलग से आ जाता है, तो 20 लाख रुपया एक बच्चे का डॉक्टर बनने में लग गया। तो मेरे जैसा जो मिडिल क्लास आदमी है, अगर उसके 2 बच्चे हों तो वो नहीं बना सकेगा, तो कैसे करेगा वो?
तो सरकार को इनकी जैसे स्टाइपेंड, इनका बहुत जायज़ है, इनका स्टाइपेंड डबल कीजिए गवर्नमेंट के, आपकी जो आपके जो रब हैं, आपके आका हैं, आपके भगवान हैं दिल्ली वाले, और वहाँ आप जिनको आप भारत रत्न भी दिलवा रहे थे, जो जेल में बैठे हैं दो साल से, सत्येंद्र जैन साहब जो आपके वजीर सेहत है वहाँ के, तो कम से कम दिल्ली के पैटर्न पर हमारा बच्चों का स्टाइपेंड कीजिए, और जो फीस है वो उस पैटर्न पे लेके आइए, तभी ये आम आदमी सरकार होगी ना जी, नहीं तो वीआईपी सरकार होगी। अच्छा एक बात और है, इंटर्नशिप में आपकी अब ड्यूटीज भी बहुत हार्ड हो गई हैं, क्योंकि अब हाउस सर्जन नहीं रहे सर, क्योंकि पुराने वक्तों में जब हम पढ़ते थे तब इंटर्नशिप वाज ए लग्जरी, तब हाउस सर्जन हुआ करते थे, वो सब काम करते थे। अब जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है पटियाला मेडिकल कॉलेज या अमृतसर मेडिकल कॉलेज या फरीदकोट मेडिकल कॉलेज, उसको रन टोटली अगर मैं कहूँ पीजीज या इंटर्न्स करते हैं तो गलत नहीं होगा। आप लोग, मैं एक दो बच्चों को आपके क्लास फेलोज को जानता हूँ कि आपकी जो डिपार्टमेंट में ड्यूटी आएगी तो आप 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हो, तो ये तो फिर बहुत जुल्म है। एक जो आप लोग बैकबोन हो, आप टर्शरी हेल्थ केयर की आप लोग बैकबोन हो, और वो बैकबोन सरकार उस पर तोड़ना चाहती है यार। अगर इंटर डॉक्टर साहब, मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता ये 700-800 बच्चे इंटर्न्स हड़ताल पर चले गए ना, तो मेडिकल सर्विसेज पैरालिसिस हो जाएंगी सर। सीनियर डॉक्टर के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। आप हड़ताल पर चले जाते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज चले जाओ हड़ताल पर, सरकार चलती रहेगी, मान साहब आपको निकाल दें तब भी सरकार चलेगी। है जिस दिन ये इंटर्न स्ट्राइक पे चले गए ना, हाहाकार मचेगा सारे पंजाब में, लोग झंडा चक लेंगे थोड़े खिलाफ। भाजी बड़ी देर दूर ना करो, बड़े शरीफ लोग हैं, शराफत नाल कह रहे हैं, मान लो इन्हां दी गल यार, कोई गलत गल नहीं कह रहे। और डॉक्टर साहब पता नहीं फिर वजारत मिले ना मिले, बाबा जी ने इन्ना बड़ा ऑनर दिता है यार। सुनो अपने दोस्तों की, ये थोड़े बच्चे हैं, जे तुसी डॉक्टर साहब अपने बच्चों की नहीं सुनोगे और की नहीं सुनोगे यार। कोई ये तरस नहीं मंग रहे, कोई ये रहम नहीं मंग रहे, कोई ये खिरात नहीं मंग रहे, ये अपना हक कह रहे हैं यार। सो प्लीज, थैंक यू सो मच।